नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड अधीन सत सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें 15 सहायक यहाँ लेखाकार एवं 11 कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी चयनित कार्मिक लगन व कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और राज्य के विकास और जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नियंत्रण जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आप देखिए उद्घाटन करेंगे और इसके लिए देश भर के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के ही सचिव श्री महंत रविन्द्रपुरी महाराज के नेतृत्व में गंगोत्री, यमुनोत्री और बागेश्वर सरयू नदी के या उद्गम स्थान से गंगाएं किस तरह से बहती हैं वो सबके सामने है। लेकिन आप देखिए कि जो पवित्र जल है वो गंगा से मंगाया गया है। साथ ही हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के जल कलश का पूजन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों को अयोध्या के लिए रवाना किया। हर की पौड़ी का नजारा उस वक्त यहां अलौकिक हो गया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जय राम श्री राम जय राम का गीत गाकर लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर के माध्यम से साधु संतों और राम भक्तों पर हर की पैड़ी के हरिद्वार जहां जो हरिद्वार जिला है वहां के प्रशासन ने पुष्प वर्षा भी की। ये जो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी को हम सब के लिए जिसकी हमको लंबे समय से प्रतीक्षा थी वो पूरा हो रहा है और हरिद्वार एक हमारा पौराणिक रूप से आध्यात्मिक रूप से माँ गंगा का ये स्थान इसका अपना एक महत्व रहा है और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है। यहाँ से माँ गंगा का जल आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए माँ गंगा का जल, यमुना का जल, सरयू का जल वहाँ जा रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी देवभूमि से लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सब का सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं और ये एक ऐसा पल है जिसके लिए 500 वर्षों से भी लंबे समय से प्रतीक्षा की है और उस प्रतीक्षा का वो परिणाम आ गया है। वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हो गई है। हमारे लिए सबके लिए ये दीपोत्सव है, एक उत्सव है और महोत्सव है। जो हमारी कलश यात्रा है ये अयोध्या धाम जा रही है और जो गंगोत्री का उद्गम स्थान गंगोत्री है वहां से जल लाया गया है और जो गंगा माँ है उसका उद्गम स्थान जो गंगोत्री है वहां से जल मंगाया गया है और जो सरजू है उसका जल जो है बागेश्वर से मंगाया गया है क्योंकि बागेश्वर जो है सरजू का उद्गम स्थान है। इसीलिए तीनों जल यहाँ ला करके यहाँ उनमें गंगा जल मिला करके ये पूरा जल जो है अयोध्या धाम को रवाना हो रहा है। मुझे वो दिन याद आता है जब सपा सरकार थी, जब हमारे ऊपर कार सेवकों के ऊपर डंडे बरसे थे। आज वो दिन है कि आज हम जो है राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और राम राम करते जा रहे हैं। और आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हम राम नहीं बोल सकते थे। राम राम करना जो है मना था, राम जो करता था उसको मारा जाता था, राम राम जो जपता था उसको पीटा जाता था। हमारे लाखों संतों ने, जितने हमारे संत नागा संत, जितने हमारे महामल्लेश्वर नाना प्रकार के लोगों ने, सभी सनातनियों ने वहाँ अपना बलिदान दिया है। लेकिन हमें खुशी की बात है, हमें ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी मिले जिन्होंने इसका हल निकाला, जिनके द्वारा आज जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में युवाओं और महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। कैबिनेट मंत्री के अनुसार पहले भी केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार युवाओं और महिलाओं के सहयोग से ही सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की नीतियां भी युवाओं और महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है।
उनके अनुसार 2024 के चुनाव में भी भाजपा को इनका आशीर्वाद मिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हो अथवा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के रूप में हो, दोनों ही सरकारें महिलाओं के और युवाओं के आशीर्वाद से बनी हैं। हमारे यहाँ पे पुनः सरकार बनी है तो दोनों ही वर्गों के आशीर्वाद से बनी है। हमारे केंद्र बिंदु में भी दोनों ही वर्ग हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इन्वेस्टर समिट, अधिक से अधिक रोजगार जनरेट हो सके, इसके अलावा खेल के संदर्भ में भी लगातार युवाओं को नशा से दूर रखना है तो खेल से जोड़ना है, स्कूलों के खेल मैदान हो, महाविद्यालयों को खेल मैदान हो, सामान्य हमारे मैदान हो, उनको सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। आउट ऑफ 10 जॉब दिया गया है, इसके अलावा 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन जो है वो होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को खेल से जोड़ते हुए अपने प्रदेश का और देश का नाम वो आगे बढ़ा सके उसका मार्ग प्रशस्त होता है, साथ ही साथ महिलाओं को भी सशक्त करने के लिए, रोजगार स्वरोजगार और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हर प्रकार की, चाहे वो ब्याज मुक्त ऋण हो अथवा सब्सिडी आधारित योजना हो अथवा उनके स्वरोजगार को करने में सरकार की ओर से मदद हो, सरकार उनके साथ लगातार खड़ी करते हुए उनको। मसूरी देहरादून मार्ग पर यहां आप देखिए गलोगी धार के निकट लगातार मलबा और पत्थर गिरने से हर समय जानमाल का खतरा बना रहता था और पहाड़ों से बरसात के समय बड़े बड़े बोल्डर के साथ मलबा भी सड़क पर आ जाता था जिससे जैम की जो संभावना है वो रहती थी और घंटों सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन क्षेत्रवासियों की लंबे समय की मांग थी कि पहाड़ी का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर हो और पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी इस क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों को पहाड़ी के ट्रीटमेंट के दिशा निर्देश दिए गए थे और उसके बाद अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन कर कार्य शुरू करवा दिया गया है। 6 महीने के भीतर ही कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द 6 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस भी ली है। एक कार्यक्रम में मैं और मंत्री जी जब से आ रहे थे, इतने में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था और जब मैंने मंत्री जी को बताया कि साहब इसकी वजह से ये हमारा जो पूरा मसूरी है टूरिज्म पर डिपेंड है और इससे उनके अक्सर जो है रोड बंद हो जाती है जिसकी वजह से कुछ वापस लौटता है, यहाँ के लोगों को आम जनमानस को आसान होता है। तुरंत उन्हें इसकी स्वीकृति दी और आज बहुत शुभ दिन है कि आज मकर संक्रांति भी है क्योंकि मशीनें आ चुकी थी। हम तो चाहते थे कि विधिवत इसका शिलान्यास करें, मुख्यमंत्री को भी बुलाएं, तो हमने आज इसका भूमि पूजन यहाँ पर किया है। तो विधिवत इसका कार्यों द्वारा किया जाएगा और एंकरिंग के माध्यम से हमने इनसे कहा है ठेकेदार को कि 6 महीने के अंदर बरसात से पहले, ताकि अगली बरसात में मसूरी वासियों को ये सुविधा मिल जाए, यहाँ पर जाम न लगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार से अधिकारी नामी सरकार में काम कर रहे हैं और एक बात हमने और कही मुताबिक नहीं और कही थी, जिस चीज़ का हम संघर्ष करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। आज जितनी भी योजनाएं बन रही हैं, कल ही मैंने 12 करोड़ की योजनाओं का गड़ी कैंट में शुभारंभ किया और मुझे बताया कि 9 महीने के अंदर 10 करोड़ का बहुत बड़ा सामुदायिक केंद्र वहाँ बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम करती है और आज ये बहुत बड़ी मसूरी वासियों की समस्या है उसका निदान यहाँ पर हो जाए। सर लगातार सूखा पड़ रहा है, काश्तकार भी परेशान है, होटल व्यवसायी ने भी अपनी चिंता की थी क्योंकि इस बार और तो और जनवरी की बारिश छुड़ी है, मकर संक्रांति को हमेशा बारिश होती थी लेकिन शायद प्रकृति क्यों उठी हुई है। हमने अपने सभी कृषि अधिकारियों से DHO से कहा कि जिसकी वजह से हमारी सेब की फसल खराब हो गई है, हमारी गेहूँ की फसल खराब हो गई है, अन्य फसलें हमारी सारी खराब हुई हैं, उसका हम आकलन कर रहे हैं। तो प्रभु से प्रार्थना है, जैसा कि मौसम बोल रहा है कि 17 तक बारिश होगी और उसके बगैर वो नहीं होती है तो उसमें हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी जो मदद होगी सरकार। अभी किसान संगठन ने या किसी ने ये नहीं कहा है, उनका ये कहना है कि अभी भी अगर बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है तो हम सर्वाइव कर जाएंगे,
लेकिन उसके भगवान ने अगर कृपा हम पर नहीं हुई तो ट्रीटमेंट का काम है जिसकी लागत 21.75 करोड़ रुपए है। इसमें 6 महीने को इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्षा प्रारंभ होने से पहले इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। सर किस किस तरीके से कार्य किया जाएगा इसमें? इसमें जो अनबैलेंस ढाल हो गया है पहाड़ी का तो उसको स्थिर करने के लिए लूज मास को हटाया जाएगा, जो लूज सॉयल इसको हटाया जाएगा। इसमें सॉयल एंकरिंग करते हुए और ग्राउंड एंकरिंग करते हुए पहाड़ी को और मजबूत बनाया जाएगा और इसके ऊपर हाई टेंसाइल वायर मेस लगाई जाएगी और जहाँ पर सॉयल इरोजन हो रहा है वहाँ पर सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्सटाइल ब्लैंकेट लगाई जाएंगे और इसके अलावा पहाड़ी पर पानी का प्रवाह ठीक ढंग से हो और इसमें इरोजन न करे इसलिए ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। तो सर ये परियोजना टेंडर शुरू हो गए हैं, एक एग्रीमेंट बन गया है, कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो ये परियोजना बरसात से पहले जी बरसात से पहले इसका अधिकांश काम स्टेबिलाईजेशन का पूर्ण कर लिया। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में यहां मणिपुर से महाराष्ट्र तक 3,700 किलोमीटर बड़ी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। हालांकि ये यात्रा देवभूमि उत्तराखंड से नहीं गुजरेगी जिसके चलते ही यहां प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर कहीं ना कहीं अनबन नजर आ रही है जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने अपना पक्ष रखा है और प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार समय का अभाव होने के कारण उत्तराखंड में ये यात्रा करना मुमकिन नहीं है। कार्यकर्ता अनबन नहीं कर रहा, राहुल सब जानते हैं हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, चुनाव का समय है और समय कम है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने क्या, अब वो मणिपुर से लेके मुंबई तक के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। निश्चित ही पूरे राष्ट्र के लिए कार्यक्रम है, मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, लोगों की परेशानी वो समझ रहे हैं और उत्तराखंड में अगर इस यात्रा में नहीं भी आएंगे तो चुनाव से पहले निश्चित ही उनकी एक बड़ी रैली। लोकसभा की 5 सीटों में कांग्रेस की कौन प्रत्याशी होंगे भले ही ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए एक जी का जंजाल बन गई है और इससे आप देखिए किस तरह से ये जी का जंजाल बनने लगी है, क्यों बनने लगी है वो जरा समझिए। क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट से 2 दिग्गज नेता लगातार टिकट मांग रहे हैं जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है तो दूसरे हरक सिंह रावत हैं। वहीं हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है, उन्होंने पार्टी हाईकमान से हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट की मांग की है। हरी सिंह रावत ने कहा कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जीतकर सामने आऊंगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो जिससे भी मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे। अगर दिला देगा तो अब वो ठीक है, नैनीताल में भी उनका जो वहाँ पे गोदियाल जो है हरिद्वार में बनाए गए तो क्या आप लोग का नंबर नहीं लगेगा? अरे तो पार्टी तय करेगी ना कि इसको लड़ाना है और मैंने पार्टी से कहा कि मैं हरिद्वार लड़ना चाह रहा हूँ, अगर पार्टी लड़ाती है वो लड़ाएगी तो अच्छा है और नहीं लड़ाती किसी को लड़ाएगा तो हम काम करेंगे कार्यकर्ता के रूप में। सबको अधिकार है, लोकतंत्र यही तो अच्छा है कि अब अगर देखो सुनो अगर किसी सीट पर ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं इसका मतलब पार्टी मजबूत हो रही है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता ढूंढना पड़ता कि किसको लड़ाएं किसको लड़ाएंगे तो ये चिंता का विषय था। नहीं अगर देखो राजनीतिक प्राणी जो है ना सबसे तेज होता है, जिस सीट पर ज्यादा टिकट लोग मांग रहे हैं वो सीट समझ लो पार्टी के दृष्टिकोण से अनुकूल है। अच्छा तो है क्या हो गया, अच्छा है क्या हो गया? अब उधर राजनाथ सिंह जी जो है जब उनका लड़का मेरे तो बिल्कुल बच्चा की तरह है पंकज, वो भी विधायक होगा, सभी पार्टियों में होता है भाई। अब वो कोई उनका हरीश भाई का लड़का कोई ऐसा थोड़ी कि हरीश रावत का लड़का है इसलिए उसको नहीं मिलना चाहिए या उसको नहीं लड़ना चाहिए। वो भी संघर्ष कर रहा है, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, अगर पार्टी उसके नाम पर विचार करती है तो क्या दिक्कत है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सोमवार को पार्टी कार्यालय पहुंची जहां पर उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी में कई आपसी मतभेद खुलकर सामने आए हैं जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी में ही असहज स्थिति बन जाती है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि यहां नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी ने
उत्तराखंड में पता कर लिया है कि कांग्रेस अभी तक यहां निराधार रही है। उन्होंने माना है कि कांग्रेस यहां पर कोई कार्य नहीं कर रही थी। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और नेताओं से ये बात भी पूछनी चाहिए कि कांग्रेस का काफिला क्यों लूटा है। इसका जवाब उन्हें सही तथ्यों के साथ मिल जाएगा। देखिए ऐसा है, इससे ये साबित होता है प्रभारी शैलजा कुमारी जी के जवाब से कि उन्होंने पता कर लिया है कि कांग्रेस अब तक यहाँ पर निराधार रही है, किसी कार्य के लायक नहीं रही है। तभी उन्होंने ये बात कहा कि अब आपसी मनमुटाव भुलाकर चुनाव की तैयारी में लगना चाहिए। मतलब इससे पहले वो भी मानती हैं कि कांग्रेस यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर रही थी, सिर्फ अंदर अपने अंदर खाने सिर्फ पुटा पुटौवल कर रही थी। बल्कि शैलजा की जी को तो मैं एक राय देना चाहूँगी कि उनको ये बात भी पूछनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा कांग्रेस का। तो उनको शायद सही और सही तथ्यों के साथ जवाब मिल जाएगा कि काफिला आखिर लुटा तो क्यों लुटा। चमोली के देवाल प्रखंड के अंतिम रिहायशी गांव बाण में यहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय भिड़िंग और बाण अध्यापक जो कि विहीन होने के चलते नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय होने की कगार पर खड़ा हो गया है। दरअसल ग्राम पंचायत बाण जिले का ही हिमालय शौर का अंतिम रिहायशी गांव है और इसकी जनसंख्या लगभग 2200 से भी ज्यादा है। इस गांव में अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। तोकों के लिए 4 प्राइमरी स्कूल संचालित होते हैं और पहले नंबर पर सबसे अधिक 70 छात्र संख्या वाला प्राथमिक विद्यालय वाण है और 23 छात्र संख्या वाला प्राथमिक विद्यालय भिड़िंग, 30 छात्र संख्या वाला प्राथमिक विद्यालय भराड़ और 18 छात्र संख्या वाला प्राथमिक विद्यालय यहां पैरी कौरी में स्थापित है। तो अब शिक्षा विभाग की अजब गजब कार्य प्रणाली है कि भराड़ और पैरी कौरीमा स्कूलों को छोड़कर वाण और भिड़िंग के ही स्कूलों में वर्षों से शिक्षकों का जो टोटा है वो बना हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि प्राथमिक विद्यालय बिल्डिंग में जुलाई 2023 तक एक अध्यापक नियमित रूप से अध्यापन कार्य का संचालित काम करता दिखा था और लेकिन उनके अलावा यहां आप देखिए किस तरह से काम हुआ, अनिवार्य स्थानांतरण हो गया है और उनके स्थान पर किसी शिक्षक की स्थायी तैनाती अभी तक नहीं की गई, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा को राम भरोसे छोड़ दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के सहयोग से ही पठन पाठन जैसे काम को सुचारू किया जा रहा है। ग्रामीणों ने लगातार शिक्षक की नियुक्ति को लेकर मांग की है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाण से एक अध्यापक को व्यवस्था कर भिड़िंग स्कूल में भेज दिया जाए, इस पर काम होना चाहिए। लेकिन इससे भिड़िंग स्कूल के बच्चों को शिक्षा तो मिल पाएगी लेकिन 70 छात्र संख्या वाले विद्यालय बाण में एक ही शिक्षक रह जाएगा। आने में आधा टाइम उनका लग जाता है, टाइम से हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है। हम साधन प्रदर्शन से कहते हैं कि हमको नए सर दें, हमें एक सर दें, जो ये सर हमें पुराने आते हैं, ये दूसरे स्कूल से आते हैं तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत है। हम बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, उन बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें एक परमानेंट सर दे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यापकों के बारे में ये है कि हर टाइम पर जो है कि यहाँ पर हर 6 महीने में साल भर में जो है कि अध्यापक बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं और जब ट्रांसफर होता है तो फिर 6 महीने तक कोई अध्यापक नहीं आते हैं। यहाँ पर 25 से 30 बच्चे जो है कि हर रोज पाठ्यक्रम के लिए आते हैं, स्कूल में पठन पाठन के लिए आते हैं। बच्चों को जो है कि शिक्षा उच्च स्तरीय तो रहा दूर, न्यूनतम स्तर की भी कोई शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो बच्चे जो है हमारे आगे भविष्य के लिए जो है कि अगले क्लास में जब जाते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं और उसके बाद हमारे बच्चे जो की त्यों स्थिति बनी रहती है। अध्यापकों का मेन न आने का कारण ये है कि सरकार जो है कि मनमाने तरीके से उनको इधर उधर भेज देती है। कभी इलेक्शन आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी नव निर्माण आते हैं, तो एक अध्यापक के बस का नहीं है स्कूल चलाना। और एक भी जो है कि यहाँ पे जो है कि 6 महीने साल बाद 9 महीने ऐसे जो है कि अध्यापक मैं यहाँ पे अभी प्राथमिक विद्यालय बिल्डिंग में हूँ, बहुत विडम्बना है। इस विद्यालय में जो है 6 माह से कोई शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय है। यहाँ पे 23 बच्चों को होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। विगत अगस्त में यहाँ पे गुरुजी का ट्रांसफर हो गया था,
जुलाई अगस्त में, उससे पहले से हम चिल्ला रहे थे। गोपेश्वर भी गए, यहाँ पे अभिभावकों की टीम लेकर के मैं गोपेश्वर गया था और वहाँ भी हमें आश्वासन मिला था कि आपको तुरंत गुरुजी मिल जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे एक गुरुजी था, उसका भी ट्रांसफ़र किया गया और आज तक जो है यहाँ पे कोई गुरुजी नहीं है। यहाँ पे बगल में जहाँ पे हमारा गांव मीनवाण कहा जाता है, वहाँ पे जो है एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे भी 70 बच्चे हैं, जबकि वहाँ पे जो इन विद्यालय के अकॉर्डिंग के हिसाब से वहाँ पे जो है कि 3 गुरुजी होने चाहिए थे, वहाँ पे भी 2 ही गुरुजी हैं और जो कि उस 2 गुरुजी में से भी एक गुरुजी यहाँ आ रहा है और 4 किलोमीटर की दूरी पर यह विद्यालय है, यहाँ पर भी वो गुरुजी पढ़ाने को आते हैं और इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी सरकार न सुन रही है न विभाग सुन रहा है। अभिभावक जो है 10 बार जो है गोपेश्वर चले गए हैं और कोई सुनने को राजी नहीं है। वो गुरुजी जो है पिथौरागढ़ से हैं, उनके घर में भी समस्याएं होती होंगी, आम नेता के आम आदमी के घर में जो है समस्याएं होती हैं। वो बेचारे उतने दूर से आते हैं, 2 दिन में तो यहाँ पहुँचते हैं, उनको एक छुट्टी तक नहीं मिल पाती है और वो यहाँ पढ़ाने आते हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। और इस विद्यालय का क्या होगा, कैसे होगा, निंदनीय विषय है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ये बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 6 महीने से यहाँ पर जो कि अध्यापक नहीं है, व्यवस्था पे आ रहे हैं, व्यवस्था पे भी ऐसी जगह से आ रहे हैं जिस विद्यालय में 70 बच्चे हैं, वहाँ पर भी एक अध्यापक से वहाँ काम चल रहा है और वहाँ के बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है और यहाँ के बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा है। पहले तो यहाँ 2-4 दिन के लिए व्यवस्था पे आ रहे थे, उसके बाद पिछले लगभग 4-5 महीने से वो परमानेंट यहाँ पर व्यवस्था पर है। हमने आगे अधिकारियों से बात की, गोपेश्वर की पौड़ी तक बात की, लेकिन यहाँ की विद्यालय के बारे में कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है, इसलिए हम अधिकारियों से, खंड के अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि कृपया इस विद्यालय के बारे में, इन बच्चों के भविष्य के बारे में जरा कुछ न कुछ सोचने का। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।